उधर बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राजेश जून को नगर पार्षदों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्यों और कई गांवों के सरपंचों का भी समर्थन मिल रहा है। राजेश जून ने दावा किया है कि वे इस बार बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वे 11 सितंबर को अपना नामांकन पत्र जो है दाखिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से भारी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। राजेश जून 11 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने कार्यालय से एक रोड शो शुरू करेंगे और भारी भीड़ के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए रवाना होंगे। मेरी आपसे अपील है कि जैसा कि आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राजा इलेक्शन लड़ रहा है, एक जनता का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। मेरी आपसे अपील है, मैं परसों 11 सितंबर को अपना नामांकन भरने जा रहा हूं। हम पर्चा भरने जाएंगे, यहां से 9:30 बजे इकट्ठे होकर 9:15 बजे 10 बजे यहां से निकल लेंगे। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप सब अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, सबने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे विधायक का आशीर्वाद देने के लिए आपने सबने हाथ जोड़कर विनती, सब आज समझ आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक एक करके जब जैसे ही मेरे से 5 साल पहले मेरे से वादा किया, मेरे से काम लिया, फिर मेरे को टिकट नहीं दी गई, इस बात का दुख मानते हुए आज गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, बहुत सारे हमारे पार्षद साहब, बहुत लोगों ने मुझे समर्थन दे दिया है। जितनी वोट मुझे टिकट मिलने से मिली थी उससे भी ज्यादा वोट आप लोग मुझे देने जा रहे हैं। आपसे अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 सितंबर को सुबह 9:15 बजे मेरे कार्यालय पर जरूर आएं।